क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है? रीजन देखते हैं कि क्यों कहा जाता है। बहुत सारे सुपर पावर्स आए अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए, बट वो अपनी बेइज्जती करा के वापस गए। फॉर एग्जांपल, 4th सेंचुरी में अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उन्होंने इसको कब्जा करने की कोशिश करी बट वो नाकामयाब होकर वापस गए। 13th सेंचुरी में मुगल एम्पायर आया, उसने भी इसे रूल करने की कोशिश करी बट वो हार मान के वापस चले गए। 19th सेंचुरी में अंग्रेजों ने कोशिश करी, जैसे उन्होंने इंडिया और श्रीलंका पे कब्जा कर रखा था वैसे अफगानिस्तान को भी रूल करने की कोशिश करी बट उन्हें भी वापस लौटना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन आया, उसने भी इसे रूल करने की कोशिश करी बट 9 साल के बाद उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी और वो भी वापस लौट गए। हाल फिलहाल में 21वीं सदी में अमेरिका आया, उसने इसे रूल करने की कोशिश करी, बर्बाद करने की कोशिश करी बट उन्हें भी वापस लौटना पड़ा 2021 में। तो इसका रीजन क्या है, क्यों कोई अफगानिस्तान पे रूल नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पाया आज तक? सबसे बड़ा रीजन है गोरिला वॉरफेयर। जो वहां के लोग हैं, जो उनकी लड़ाई की टैक्टिक्स हैं, वो बाकी देशों से काफी अलग है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वहां पे का टेरेन, जो वहां का लैंडमार्क है वो काफी डिफिकल्ट है, सबके बस की नहीं है वहां पे रह के लड़ाई।